दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और चुनावी नतीजे बड़े ही हैरान करने वाले रहे, क्योंकि कांग्रेस 5 ही राज्यों में पूरी तरह से सिमट कर रह गई और बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। नई पार्टी जो हमें 5 राज्यों में बड़े विजेता के रूप में देखने को मिली, पंजाब में आम आदमी पार्टी, राइट, बिल्कुल भारी बहुमत के साथ पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा बाकी बचे से सभी 4 राज्यों में विधानसभा की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की ही बढ़ोतरी दिख रही है। गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो भारी बहुमतों के साथ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है। और ऐसे में इन 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, यानी कि अभी जीतने वाली चुनावी पार्टियों के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भगवंत मान को उतारा। आपको बता दूं, भगवंत मान की हिस्ट्री की बात करें तो पहले ये स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं। कॉमेडियन से लेकर पंजाब के अगले मुख्यमंत्री तक का इनका सफर बड़ा ही रोमांचक रहा है। भगवंत मान का जन्म संगरूर के सतोज गांव में एक स्कूल शिक्षक परिवार में हुआ। उनका शुरू से ही मनोरंजन की दुनिया से लगाव था, कॉमेडी के वो बादशाह माने जाते थे। और ऐसे में अभी उनको पंजाब में आम आदमी पार्टी की सीट से ऐतिहासिक जीत मिली है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के सामने बड़े बड़े सियासी दिग्गज धराशायी हो गए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद राज्य में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। उन्होंने धूरी विधानसभा सीट से बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के यहां तक पहुंचने का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया। एक स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर राजनेता बने भगवंत मान के सियासी सफर के बारे में प्रेरणा लेने लायक सफर कहा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री अगले जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी ही बन सकते हैं, जो कि अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हैं। और एक तरफ इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर उत्तराखंड के अगले सीएम कौन होंगे, लेकिन अभी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि वापस बीजेपी पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री का पद दे सकती है। उत्तराखंड के बाद बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है सभी को दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और दोबारा सीएम बनते ये 4 रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। इस पर भी चर्चा में बात करेंगे विस्तार से आगे। जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले रहे, पूरी बहुमत के साथ भाजपा दोबारा सरकार बनाती नजर आ रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अगले मुख्यमंत्री के ताज को पहनेंगे। वहीं बात करें दोस्तों गोवा में, तो गोवा में भी फिर से बीजेपी की सरकार बनना तय दिख रही है। कांग्रेस को बहुत ही कम सीटें मिली गोवा में भी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक गोवा विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी अब साफ हो गई है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 20 सीटें जीत गई है और 20 सीटें जीत कर बड़ी पार्टी भी बन गई है। वही कांग्रेस 10 सीटों पर जीती है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 2, रिवोल्यूशनरी गुंस पार्टी 1 सीट जीत पाई है। और गोवा के सीएम की बात करें तो गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी चुनाव हार गए और कांग्रेस ने ये सीट भाजपा से झटक ली है, यानी कि कांग्रेस इस सीट पर जीती है। लेकिन फिर भी गोवा के चुनावी समंदर में दौड़ी बीजेपी की नैया और आखिरकार प्रमोद सावंत फिर से नए मुख्यमंत्री बनेंगे। गोवा के अगले सीएम के रूप में प्रमोद सावंत ही होंगे, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी यहां पर भी बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। वहीं बात करें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर में पूर्ण बहुमत की ओर है भाजपा। कांग्रेस को मिली विधानसभा चुनाव में करारी हार और मणिपुर में भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीरेन सिंह होंगे। पहली बार बीजेपी ने संकेत दिए कि बीरेन सिंह ही होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। एन बीरेन सिंह जो कि अभी मणिपुर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी हैं, वही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाने के लिए एडी से चोड़ी तक का जोर लगाती दिख रही है। अब जब मतदान के नतीजे आ ही चुके हैं तो पार्टी ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार से नाम का पर्दा भी उठा लिया और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर वाकई में बीजेपी बहुमत के 7 सीटों से जीतकर मणिपुर में अपनी सरकार बनाती है तो मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री भी तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ही होंगे। एन बीरेन सिंह जो कि एक फुटबॉलर रहे, उसके बाद वो पत्रकार बने और अब दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ओके, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अगले भगवंत मान होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत होंगे और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह होंगे, है ना। अब देखिए आप, उत्तराखंड राज्य में बड़े ही चौंका देने वाले चुनावी नतीजे हमें देखने को मिले हैं। उत्तराखंड में भले ही बीजेपी जीत रही है लेकिन मुख्यमंत्री वहां के जो तत्कालीन सीएम पुष्कर सिंह धामी थे वो खुद की सीट से हार गए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा और उत्तराखंड राज्य में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री की हार हुई है। अब भाजपा सरकार का चेहरा बनकर सामने कौन आएगा? ये 3 जो मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये पिछली बार लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में रहे और खुद की सीटों से हारे हैं। अब ऐसे में उत्तराखंड के जो तत्काल मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो तो वापस सीएम बनने से रहे,
ऐसे में धामी नहीं तो आखिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं मुख्यमंत्री धामी समेत सभी पार्टियों के भावी सीएम उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं। उत्तराखंड में तीनों पार्टियों के सीएम कैंडिडेट जो है वो चुनाव हार गए। और ऐसे में उत्तराखंड राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सीएम धामी के हार के बाद इन चेहरों पर दांव खेल सकती है बीजेपी, जिनमें कौन कौन से चेहरे सामने आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है सतपाल महाराज का। मौजूदा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें चोबट्टा खाल से प्रत्याशी बनाया था और इस सीट से उत्तराखंड की होट सीट माना जा रहा है। साल 2014 में कांग्रेस को छोड़कर सतपाल महाराज भाजपा में आए थे। इसके अलावा एक और नाम आ रहा है रमेश पोखरियाल निशंक का। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वह केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुके हैं और निशंक अभी हरिद्वार की सीट से लोकसभा सांसद भी हैं। इनको भी उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा धन सिंह रावत अभी रांची के शिक्षा मंत्री हैं। धन सिंह संघ से जुड़े रहे हैं। धन सिंह अभी श्रीनगर सीट से विधायक हैं। एक और नाम आ रहा अनिल बलूनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिस्ट में अनिल बलूनी का नाम भी लिया जाता रहा है। अनिल बलूनी अभी भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। बलूनी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। एक नाम आता अजय भट्ट। केंद्र सरकार में मंत्री अजय भट्ट का नाम भी मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चाओं में है। अजय भट्ट केंद्र में राज्य रक्षा मंत्री हैं और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद भी हैं। अजय भट्ट केंद्र में मंत्री बनने से पहले रानीखेत से राज्य गठन से लगातार विधायक भी रहे। अब ये चार पांच नाम उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार से सामने आ रहे हैं। अब देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है। अच्छा, बाकी दोस्तों चार राज्यों में भारी जीत के बाद पीएम मोदी का लाइव स्पीच भी देखिए आप। भाजपा मुख्यालय में पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। पीएम मोदी बोले कि आज का उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। पांच में से चार राज्यों में जीत की शानदार शुरुआत को देखते हुए भाजपा कार्यालय में आज अभी उत्सव मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी सिर से लेकर पांव तक फूलों की पंखुड़ियों और मालाओं के बीच दफ्तर पहुंचे। चारों तरफ एक जैसी आवाज थी, भाजपा भाजपा भारत भारत मोदी मोदी और फिर स्वागत है स्वागत है स्वागत है। इनके उनके सबके बोल लेने के बाद पीएम मोदी आए और कहते गए, भारत माता की जय। आज उत्साह का दिन है और उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बधाई देता हूँ। हमारी माताओं बहनों और युवाओं ने जिस तरह भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। वहीं पीएम बोले कि मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये विजयी ध्वज फहराकर इस वादे को पूरा कर दिखाया है। उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनाव में काम किया और जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे। कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अभिनंदन किया उन्होंने। पीएम मोदी बोले कि आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जीत का चौका लगाया है। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए थे लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुना जाने का ये पहला उदाहरण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। तीन राज्य यूपी गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। गोवा के सारे एग्जिट पोल गलत पाए गए और वहां की जनता ने हमें फिर से सेवा का मौका दिया। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। वहीं जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जश्न मनाते हुए दिखे। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। योगी ने लखनऊ में गुलाल उड़ाया, बोले मोदी जैसा नेतृत्व हो तो ऐसा बहुमत मिलता है। अब राजधानी दिल्ली में पीएम बोलेंगे, जो उन्होंने भाषण में भाजपा के लिए बातें चीते कही मैंने आपको बता दी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ भारी हुजूम के बीच लखनऊ ऑफिस पहुंचे और करीब 6:45 बजे वे मंच पर पहुंचे और साथ ही मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ गिले मिले और जमकर गुलाल उड़ाया। विजय भाषण भी दिया, बोले कि जब मोदी जैसा नेतृत्व हो तो ऐसा ही प्रचंड बहुमत मिलता है। विजय उल्लास से शुरू हुआ ये 30 मिनट का कार्यक्रम जय श्री राम के नारों के साथ खत्म हुआ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भी संबोधित कर सकते हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स और कवायद लगाई जा रही है। देखते हैं पीएम मोदी की तरफ से देश के लिए क्या कुछ बड़े ऐलान आते हैं इसमें चुनावी जीत के बाद। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से पल पल के लाइव अपडेट बताता रहूंगा। जुड़े रहेगा आप हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।